नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में सिविल इंजीनियर्स के लिए गुड न्यूज़ है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से सिविल इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी आ चुकी है। सो इस वैकेंसी से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डेली की तरह अनअकैडमी की तरफ से आज भी बहुत कुछ फ्री है। आप फ्री में ACE, SSC, स्टेनोग्राफर, इंग्लिश मॉक टेस्ट 26 नवंबर 8 PM पर देकर अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं और इस टेस्ट का एनालिसिस 26 नवंबर 5:30 PM रानी मैम द्वारा किया जाएगा। इनरोल करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर इनरोल कर सकते हैं। यदि आप अनअकैडमी एप्लीकेशन का यूज पहली बार कर रहे हैं तो मेरे इस कोड का यूज करके आप ढेर सारे टेस्ट फ्री में दे सकते हैं। और इसके साथ साथ इस कोड का यूज करके यदि आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। कोड और इनरोल करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर इनरोल कर सकते हैं। धन्यवाद। सो चलिए देखते हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की इस जॉब के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और एग्जाम सिलेबस क्या है। सो आप देख सकते हैं सिविल इंजीनियर्स के लिए यह जॉब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से अनाउंस की जा रही है। और इसके साथ साथ नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो लेक्चरर सिविल इंजीनियर, यानी कि यदि आपको यह जॉब मिल जाती है तो आपको कॉलेज में लेक्चरर की पोस्ट पर वर्क करना होगा, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर होना चाहिए, यानी कि BE या फिर BTech होना चाहिए। और इसके साथ साथ यदि आपका MTech है तो भी आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। यहां पर BE, BTech और MTech यदि आपका सिविल इंजीनियरिंग में है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो, आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन लेना चाहेंगे कि क्या इस जॉब को राजस्थान के अलावा किसी दूसरे राज्य के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो इस जॉब को राजस्थान के अलावा ऑल इंडिया के सभी स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो सिविल इंजीनियर लेक्चरर के लिए टोटल 12 पोस्ट है। आप देख सकते हैं ST, SC, OBC और जर्नल के लिए सीटें कुछ इस तरह निर्धारित की गई हैं। और इसके साथ साथ एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 20 ईयर, मैक्सिमम 40 ईयर। एज में छूट की बात करें तो ST, SC, OBC और PWD कैंडिडेट को एज में छूट मिलेगी। ST, SC 5 ईयर, OBC 3 ईयर, PWD 10 ईयर की छूट दी जाएगी। और एज काउंट डेट की बात करें तो 1/1/2020, यानी कि 1/1/2020 तक आपकी जो एज है 21 ईयर से एक दिन कम नहीं होनी चाहिए और 40 ईयर से एक दिन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और इस जॉब को अप्लाई करने के लिए प्रोसेस की बात करें तो ऑनलाइन प्रोसेस है। आप इस जॉब को राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हो। और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो 28/11/2020 से यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। 28/11/2020 को राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर लिंक ओपन हो जाएगा, उसके बाद ही आप इस जॉब को अप्लाई कर पाओगे। और इसके साथ साथ लास्ट डेट की बात करें तो 27/12/2020। इस जॉब को अप्लाई करने के लिए अप्लाई फीस की बात करें तो जर्नल के लिए 350 रुपये, OBC के लिए 250 रुपये और इसके साथ साथ ST SC के लिए 150 रुपये है। और यदि आप राजस्थान के अलावा किसी दूसरे राज्य से हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 350 रुपये आपको खर्च करने होंगे। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सिविल इंजीनियर लेक्चरर एग्जाम में टोटल 3 पेपर होंगे। फर्स्ट एग्जाम की बात करें तो 75 नंबर का होगा, 3 घंटे का होगा और इसके साथ साथ सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकेंड एग्जाम की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 75 नंबर का होगा और 3 घंटे का होगा, ठीक है। थर्ड पेपर की बात करें तो राजस्थान से रिलेटेड GA पूछा जाएगा, 50 नंबर का होगा और 2 घंटे का पेपर होगा। और यदि आप रिटेन एग्जाम क्रैक कर जाते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, 24 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। और इसके साथ साथ आपके लिए स्पेशल नोटिस दिया गया है कि जिस ईमेल आईडी से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उस ईमेल आईडी को आपको संभाल के रखना है, उसे बार बार चेक करते रहना है। इस जॉब से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो आपको उसी ईमेल आईडी पर मेल किया जाएगा, ठीक है। सो दोस्त, अभी के लिए बस इतना ही। प्राइवेट जॉब नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपना ख्याल रखें, अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखें। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।